नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हुए हैं बिहार भवन के सामने। जो संजय यादव जो प्रोफेसर थे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में, जो उनकी पिटाई कर दी गई है कुछ लोगों द्वारा, और हमारे साथ जेएनयू के हैं मुलायम सिंह यादव जी, जो बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट हैं, समाज की हर बात को उठाते हैं। हम उनसे जानते हैं पूरा मामला है क्या। देखिए, संजय जी लगातार जब जेएनयू कैंपस में थे तब भी हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाते रहे हैं। 7 साल हम लोगों के साथ रहे हैं, एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं। दूसरी बात कि जिस विश्वविद्यालय के अंदर वो पढ़ाने काम करते थे उनको मारा गया कि ये सारी जो घटना थी ये स्क्रिप्टेड थी। यानी कि इसके पहले लगातार प्रशासन के अंदर जो वाइस चांसलर, उनके तमाम जो गुंडे थे, लगातार उसके खिलाफ़ उन्होंने लिखा था। इसके अलावा गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों के पक्ष में हमेशा वो लिखते रहे, सामाजिक न्याय के पक्ष में लिखते रहे हैं। और हाल में वाजपेयी का जब निधन हुआ तो उसमें उन्होंने पास की एक कविता शेयर करते हुए अपनी बात उन्होंने रखा था। इसको लेकर के वाजपेयी को बहाना बना करके उन लोगों ने उनको बहुत पहले से निशाना बनाया जा रहा है। कई महीने से लोग जो है इस प्लान में थे कैसे अटैक करें। वाजपेयी एक बहाना मिल गया उनको मॉब लिंचिंग का। अब सवाल ये बनता है कि इस देश में अभी तक मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, क्योंकि माइनॉरिटी के नाते उनकी मॉब लिंचिंग हुई, फिर दलितों को इस देश में लिंचिंग किया गया, मारा गया। अब हिंदुओं को, क्योंकि संजय जी पिछड़े समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, अब जब इस देश में हिंदू ही नहीं बचे हैं तो सो कॉल्ड ये जो आरएसएस आतंकवादी आरएसएस के लोग हैं वो किसको सुनना चाहते हैं। तो मेरा सीधा सीधा मामला है कि ये कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है, बल्कि इनका एक ब्राह्मणवादी एजेंडा है, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी कायम करने के लिए। और चूँकि एक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार उनके खिलाफ जो भी बोलने वाले लोग हैं, जो भी संघ के खिलाफ बोलेगा। मुलायम जी, एक वीडियो जारी हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि और अटल जी के खिलाफ लिखोगे और वाजपेयी जी के खिलाफ लिखो तो मैं माफ़ी मांगूंगी, इस पर क्या कहेंगे। नहीं, वो तो देखिए उनको मजबूर किया, जिस तरीके अगर वही हाल है जिस तरीके से पुष्यमित्र शुंग का जब शासन आया तो वे बोला गया कि जाओ बुद्धिस्टों का सर काट करके ले आओ और एक सर के बदले कई असरफियां देने की बात। उसी तरह ये बकायदे वाइस चांसलर के गुंडे, जो ब्राह्मणवादी गुंडे हैं, इनको बोला गया कि संजय को पीट के आओ तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा। अभी तक 10 लोगों का नामजद FIR हुआ है, उन 10ों को पकड़ा तक नहीं गया है। तो एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड कास्ट लिंचिंग है, उनके कास्ट के नाम पर लिंचिंग हो रही है। अभी धर्म के नाम पर लिंचिंग हो रही है, कास्ट के नाम पर लिंचिंग शुरू हो गई। तो चूँकि संजय यादव बिहार के ऐसे तबके से हैं जो लगातार ब्राह्मणवादियों के खिलाफ जो है लड़ते रहे हैं, इसलिए कोई उस पूरी ब्राह्मणवादी संरचना के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, इसलिए उनको ये सबक सिखाने के लिए। और चूंकि अभी सरकार में भाजपा और जदयू है तो पूरा स्टेट प्रशासन उनके कब्जे में है, और यह एक उदाहरण दिया गया कि कुछ भी अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे या ब्राह्मणवादी एजेंडे के खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारा इसी तरह हस्त करेंगे। मुलायम जी, अभी कुछ समय से 2 साल या 3 साल पहले से एक शब्द आया लिंचिंग, जैसे आपने बताया भीड़ तंत्र, कुछ लोग इकट्ठे होते, जैसे प्रोफेसर जी के साथ भी यही हुआ, 20-25 लोग गए उनके घर में, घुसे, उन्हें बाहर निकाला और मारा, ये एक भीड़ तंत्र का माहौल कैसा बन रहा है देश में। देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये ऑर्गेनाइज हिंसा है, भीड़ का रूप दिया जाता है, क्योंकि आप सीधा सीधा किसी को नहीं मार सकते। तो क्या कहते हैं कि चूंकि भीड़ का एक जो है आपको वो बनाया जाता है, एक नरेटिव रचा जाता है कि भीड़ में रह करके उस भीड़ का कोई भी भीड़ इतना 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 कह सकते ट्रेंड नहीं होती है कि वो जेएनयू के खिलाफ नारा लगाए, वो कन्हैया की मार के नारा लगाए कि तुम कन्हैया बनना चाहते हो। ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, और उसमें 4 लोगों की भीड़ होती है तो 10 लोग एकदम उस नरेटिव को सेट करने वाले होते हैं। तो ये कोई ऐसी भीड़ नहीं है, भीड़ को मोहरा बना करके एक तरह से कह रहे हैं कि भीड़ को माध्यम बना करके मारा जा रहा है। मतलब जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए या लिखे या बोले, मतलब उसको निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, अभी जैसे 90 के पहले जिस तरीके सामंतवादियों का बोलबाला था, कोई भी आवाज़ उठाता था उसको सरेआम मर्डर कर दिया जाता। आज जब इनकी सत्ता आई है, चूँकि जो है RJD और तमाम जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं आज सत्ता से बाहर हैं, तो इन्होंने फिर से उस पूरे समानती ब्राह्मणवादी संरचना को कायम करना शुरू किया। संजय जी को आपको बता दें, ये बताने हालांकि बोलने वाली बात नहीं है, PMCH में उनका इलाज चल रहा था, उनको जबरन हम लोगों ने वहाँ से डिस्चार्ज करके इसलिए ले आया गया क्योंकि PMCH के ज़्यादातर जो डॉक्टर सवर्णवादी मानसिकता के शिकार हैं, और हम लोगों को डर था कि कहीं उनकी वहाँ हत्या न कर दे कोई ऐसी मेडिसिन करके, इसलिए उनको दिल्ली रिफ़र किया गया। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि तमाम सारे डॉक्टरों को वहाँ, टीचरों का भी यूनियन है, उन्होंने बोला है कि इनको यहाँ से निकालिए, नहीं तो ये लोग साजिशन
सरकार के पूरा नीतीश कुमार ने मैनेज कर रखा था सुशील मोदी के कथन पर। डॉक्टरों का उनका परसों 3:30 बजे के बाद न्यूरो डिपार्टमेंट में एडमिट थे, उनकी तब तक जांच नहीं हुई, इसलिए उनको लेकर के भागना पड़ा। अभी दिल्ली के एम्स में इमरजेंसी में भर्ती हैं, अभी जांच नहीं हो रही उनकी, क्या होगा उनको ऐसा बताया जा रहा है कि अभी मुलायम जी कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और गिरफ्तारी होगी कैसे क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में साना ढाई कर दिया गया है। संजय ने उस पूरे ब्राह्मणवादी वाइस चांसलर के जो कुनबा था, जो लगातार उस पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर करप्शन कर रहे थे, जो इस उनके खिलाफ जो बोल रहे थे, जो दैनिक भास्कर के संपादक चीफ ब्यूरो हैं उनके खिलाफ वो बोल रहे थे, इसके अलावा तमाम गरीबी तमाम सारे आर्टिकल उन्होंने लगातार शेयर करते रहे, तो कहीं ना कहीं वो उस यूनिवर्सिटी में पच नहीं रहे थे, इसलिए ये निशाना बना करके उनकी कास्ट लिंचिंग हुई है। तो ये थे हमारे साथ मुलायम सिंह, जो JNU के एक स्कॉलर हैं और बहुत प्रखर वक्ता हैं और हमेशा सोशल के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं कैमरामैन राजेश जाटव के साथ, मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली।